बलिया जिले के दुर्जनपुर गांव हत्याकांड के आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। गोली मारने के बाद भगदड़ के बीच भागने का प्रयास कर रहे भाजपा कार्यकर्ता धीरेन्द्र प्रताप सिंह को दूसरे पक्ष के लोगों ने लाठी डंडा लेकर दौड़ा लिया था। तभी अचानक कई पुलिस वाले इधर दौड़ पड़े और धीरेन्द्र को चारों तरफ के घेरे में ले लिया गया। यदि दूसरे पक्ष के लोग वहां से हट गए लेकिन इसके बाद भी धीरेन्द्र की गिरफ्तारी के बाद से पुलिस का इनकार करना उसकी भूमिका को कटघरे में खड़ा कर रहा है। गांव वालों को आरोप है कि धीरेन्द्र को बचाने के लिए पुलिस ने उसके चारों तरफ घेरा बनाया था और मौका देखते ही उसे भगा दिया गया। हाथरस के चिंदफा में बिटिया के साथ सामूहिक दुष्कर्म और मौत के मामले की जांच कर रही सीबीआई की टीम गुरुवार को फिर गांव पहुंची। टीम ने करीब 3.5 घंटे तक आरोपियों के घर को खंगाला और कपड़ों से लेकर मोबाइल फोन तक के बारे में जानकारी ली। परिवार के सदस्यों के फोन की कॉल डिटेल भी देखी। सूत्रों की माने तो कुछ सामान टीम अपने साथ ले गई है जिसमें कपड़े आदि शामिल है। अब सीबीआई बिटिया के परिजनों से फिर पूछताछ कर सकती है और जेल में जाकर आरोपियों से भी पूछताछ कर सकती है। आरोपियों को रिमांड पर भी ले सकती है। वहीं आरोपी लवकुश के भाई का कहना है कि सीबीआई ऐसे कपड़े भी ले गई जिन पर पेंट लगा हुआ था। आरोपी लवकुश का एक भाई पेंटिंग का काम भी करता है। उत्तर प्रदेश में महिलाओं और बच्चियों के साथ हैवानियत की खबरें लगातार आ रही हैं। हाथरस के बाद अब जालौन जिले के उरई में नाबालिग से दरिंदगी का मामला सामने आया है। यहां बीमार मां को अस्पताल देखने जा रही किशोरी से बीती रात को दो युवकों ने वन विभाग के पीछे ले जाकर दुष्कर्म किया। शहर के एक मोहल्ले में रहने वाली 15 वर्षीय किशोरी की मां की बुधवार देर रात को तबीयत खराब हो गई थी, जिस पर पिता उसकी मां को जिला अस्पताल दिखाने के लिए ले गए। अस्पताल गए मां बाप को देखने के लिए रात्रि करीब 12 बजे छात्रा भी पैदल अस्पताल के लिए घर से जा रही थी। शहीद भगत सिंह चौराहे से वह अस्पताल न जाके वापस घर लौटने लगी। तभी टाउन हॉल के पास अकेली किशोरी को देखकर दो युवक उसके पीछे लग गए। कुछ दूर जाके दोनों ने उसे पकड़ लिया और डरा धमका के वन भाग के पीछे ले गए जहां युवकों ने दुष्कर्म किया। प्रदेश के औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में भी मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों को नौकरी दी जाएगी। प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली 1974 को औद्योगिक विकास प्राधिकरण में लागू करने का फैसला किया है। प्रमुख सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आलोक कुमार ने बताया कि सरकारी सेवाओं में सरकारी सेवकों की सेवा काल में मृत्यु हो जाने की दशा में उनके परिवार के एक सदस्य को परिवार की आर्थिक कठिनाई को दूर करने के लिए सरकारी सेवा में नियमों को शिथिल करते हुए नियुक्ति देने की व्यवस्था है, लेकिन प्रदेश के औद्योगिक विकास प्राधिकरण में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। देश भर के सबसे प्रदूषित शहरों में मेरठ टॉप 3 में शामिल हो चुका है। ग्रेटर नोएडा और फरीदाबाद इसके बाद है। मेरठ का एयर क्वालिटी इंडेक्स इन दोनों 359 पहुंच चुका है। इस तरह 110 शहरों में प्रदूषण के मद्देनजर मेरठ टॉप 3 में शामिल है। शहर में पिछले 14 दिन से हवा की गुणवत्ता लगातार खराब हो रही है। 14 दिन पहले तक 100 से 150 के आसपास चल रहा एयर क्वालिटी इंडेक्स अब 250 से 360 के तक पहुंच गया है। प्रदूषण बढ़ने का प्रमुख कारण पराली और कूड़े का जलाया जाना है और प्रबंधित वाहनों का संचालन। विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले दिनों में धूप कम होने पर AQI और बढ़ सकता है। वायु प्रदूषण के कारण वातावरण में छोटे छोटे कण उड़ते हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर में धर्म परिवर्तन का एक और चौंका देने वाला मामला सामने आया है। कानपुर के नौबस्ता निवासी एक 13 वर्षीय साथवी की छात्रा से पड़ोस के निर्माणाधीन अपार्टमेंट में मजदूरी करने वाले अजीतगंज निवासी मोहम्मद उवेश ने बाबू नाम बता के दोस्ती की। फोन पर दोनों की बात होने लगी। छात्रा की मां का आरोप है कि गुरुवार को वह बड़ी बेटी के साथ बाजार गई, तभी आरोपी उवेश बेटी को भला फसला के दे गया। मामले की जानकारी होने पर नौबस्ता पुलिस को घटना की जानकारी दी। पुलिस ने आरोपी को पकड़ छात्रा को बरामद किया है। धान के खेत में मृत मूली अनुसूचित जाति की किशोरी की हत्या सामूहिक दुष्कर्म के बाद की गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दुष्कर्म के बाद हत्या किए जाने की पुष्टि हुई है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जल्दी घटना का खुलासा किया जाएगा। उधर घटना के बाद गांव में दहशत और तनाव का माहौल बना हुआ है। सतरिक इलाके के एक गांव में बुधवार शाम धान के खेत में 17 वर्षीय किशोरी का शव मिला था। उसके हाथ बंधे हुए थे और उसके साथ हैवानियत की सारी हदें पार की गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से इसकी पुष्टि हो गई है। देर शाम इस मामले में प्रभारी पुलिस अधीक्षक RS गौतम ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्टों में किशोरी की निजी अंगों में भी गहरी चोट पाई गई है। गोरखपुर की सड़कों पर फेंका कूड़ा तो नगर निगम ने दुकानदारों पर ठोका 6400 रुपए जुर्माना। रात के वक्त गोलघर में नगर निगम की स्वास्थ्य विभाग और एनफोर्समेंट टीम ने की कार्रवाई। जहां एक और स्वच्छता अभियान चल रहा है, वहीं गोरखपुर नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग की टीम सड़क पर कूड़ा कचरा फेंकने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई कर रही है। गुरुवार रात नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एनफोर्समेंट टीम के साथ गोलघर इलाके में सड़क पर कूड़ा फेंकने वालों के खिलाफ अभियान चलाया। नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मुकेश रस्तोगी ने बताया कि इस दौरान गोलघर स्थित ड्रेस लैंड समेत कुल 15 दुकानदारों से 6400 रुपए का जुर्माना वसूला गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में पहले चरण में नियुक्त 31,277 चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति पत्र वितरण की शुरुआत कर दी है। मुख्यमंत्री आवास पर अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए।
आपको बता दें कि बेसिक शिक्षा परिषद में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में पहले चरण के 31,277 चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति पत्र सौंपे जा रहे हैं। इसके लिए प्रदेश के 68 जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। बिखरू कांड में शहीद डीएसपी के बारे में हुआ चौंकाने वाला खुलासा। बिखरू कांड में शहीद डीएसपी देवेंद्र मिश्र बिल्हौर सर्किल में ही रहना चाहते थे। वर्तमान एसएसपी के ट्रांसफर होने और नए एसएसपी को आने से वो परेशान थे। वे जयकांत वाजपेयी के जरिए लखनऊ के एक बड़े प्रशासनिक अफसर से इसको लेकर पैरवी करवाने की जद्दोजहद में थे। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए देखें हमारा यूट्यूब चैनल, करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।